हाय गाइस, इस वीडियो में आपका बहुत ज़्यादा स्वागत है। आईफोन 13 में बेस्ट हिडन फीचर्स iOS 17 के आपको मैं बताने वाला हूँ, जो टॉप बेस्ट वाले हैं। सबसे पहला फीचर बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करता हूँ, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, जो है एयर ड्रॉप का फीचर। दोस्तों, पहले हम मैनुअली एयर ड्रॉप का फीचर यूज़ करते थे, हम अपनी फाइल्स वगैरह शेयर करते थे, ठीक है। जैसे नॉर्मली शेयर बटन के ऊपर दबाकर हम कोई फ़ोन सेलेक्ट करते थे और फ़ोन जो है फ़ोटो जो है शेयर हो जाती थी। लेकिन अब हम सिंपली क्या कर सकते हैं, किसी फ़ोटो को अगर मुझे शेयर करना है तो मैं ऐसे फ़ोन को एक दूसरे के साथ टैप करूँगा तो मेरी जो फ़ोटो है वो शेयर हो जाएगी शेयर बटन को दबाने के ऊपर। जैसे मैं शेयर करूँगा, इस फ़ोन में मेरी फ़ोटो आ गई, इधर जंप हो गई। काफ़ी कमाल का फीचर है, ज़रूर इस्तेमाल करना। उसी के साथ मिलता जुलता फीचर है नेम ड्रॉप का फीचर। इसके लिए सबसे पहले आपको कॉन्टैक्ट्स एप्लीकेशन में जाकर अपनी जो नेम ड्रॉप नेम अपना जो नेम है ना, कॉन्टैक्ट कार्ड है, उसको सेट करना पड़ेगा। जैसे आप अपनी फ़ोटो लगाओ, अपनी डिटेल्स एंटर करो और फिर एक दूसरे के साथ आप अपने नेम ड्रॉप के फीचर के साथ ऐसे फ़ोन को टैप करोगे तो आपके जो कॉन्टैक्ट्स हैं ना वो एक्सचेंज हो जाएंगे। अभी थोड़ा लेटेस्ट अपडेट आया है तो काइंड ऑफ थोड़ा कभी कभी लैग वगैरह करता है या कभी कभी वर्क नहीं करता, और इसके साथ साथ जो फीडबैक जो साउंड देखने को मिलती है वो लाजवाब है, मज़ा आता है मतलब ऐसी चीज़ों को यूज़ करने के लिए। नेक्स्ट फीचर है हमारा थर्ड वाला, लाइव मोशन वॉलपेपर्स। एप्पल ने iOS 16 में लाइव वॉलपेपर्स को रिमूव कर दिया था। अब iOS 17 में हम किसी भी लाइव फ़ोटो को एज अ वॉलपेपर यूज़ कर सकते हैं, एज अ लाइव वॉलपेपर। इसके लिए आपको लाइव फ़ोटो क्लिक करनी है, फिर लाइव फ़ोटो को एक बार प्रोसेस कर लो ताकि आपका फ़ोन ज़्यादा प्रोसेसिंग ना ले, ठीक है। उसके बाद में आप अपने फ़ोटो को यूज़ एज लाइव वॉलपेपर करके सेट कर सकते हो बड़े आराम से। यहाँ पर आपको एक छोटा सा आइकन देखने को मिल जाएगा, लाइव वॉलपेपर डीएक्टिवेटेड है अभी और ये एक्टिवेट हो गया। ऐड करने पर आपका वॉलपेपर सेट हो जाएगा। नेक्स्ट फीचर है हमारा स्क्रीन डिस्टेंसिंग का, वो मुझे बहुत पसंद आया ये फीचर। ये काम कैसे करता है, आपका फ़ोन आपको पहले ऑन करना पड़ेगा ये फीचर। पहले सेटिंग्स में जाओ, फिर आपको जाना है स्क्रीन डिस्टेंस वाले या स्क्रीन टाइम वाले फीचर में। यहाँ पर अब आपको जाना है स्क्रीन डिस्टेंस में और ये फीचर ऑन कर लो। जैसे आप ऑन कर लोगे, ये काम ऐसे करता है कि जब हम काफ़ी देर से अपने फ़ोन को 2-3 मिनटों तक काफ़ी पास रखकर आइज़ के काफ़ी पास रखकर चला रहे हैं तो हमारा जो फ़ोन है हमें वार्निंग देता है कि भाई आईफोन मे बी टू क्लोज, इसको दूर कर, अपनी आंखों को थोड़ा अपनी सांस आने दे थोड़ी सी, फिर फ़ोन आपका आपको दूर करना पड़ेगा और आपको फ़ोन कुछ आपको इस तरीके की नोटिफिकेशन देगा स्क्रीन टाइम स्क्रीन डिस्टेंस की कि हाँ अब सही है, कंटिन्यू दबाकर आप अपना फ़ोन यूज़ कर सकते हो। ये इस तरीके के जो पांचवा फीचर है मेरे को पर्सनली बहुत पसंद आया, जो मैं आपसे अब शेयर करने वाला हूँ। सफारी के हम प्राइवेट टैब्स को अब लॉक कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मान लो मैं सफारी ब्राउज़र में हूँ और अब मैं प्राइवेट टैब ओपन करना चाहता हूँ ना, तो ये पहले लॉक रहेगा। अगर मुझे इसको अनलॉक करना है तो अपनी फेस आईडी वेरीफाई करूँगा, फिर मैं इनको एक्सेस कर पाऊँगा। कमाल का फीचर है, मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया। और आगे आने वाले तीन फीचर्स छोटे छोटे हैं लेकिन बहुत ही तगड़े वाले हैं, सो उनके लिए आपको इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना है और आपको मुझे बताना है कि ये फीचर्स आपके कमाल के काम आते हैं या नहीं आते। सेटिंग्स में चलते हैं। सो ये फीचर है क्या, ये ट्रिक क्या एक तरह की। दोस्तों, हमें काफ़ी बार 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन कोड आते हैं जो कि सिर्फ 2 मिनट के लिए या फिर 1 मिनट के लिए वैलिड रहते हैं, और इस तरीके के मैसेजेस ढेरों ही इकट्ठे होते रहते हैं आईफोन की मैसेजिंग ऐप में, स्टोरेज ऑक्यूपाई करते हैं। एप्पल ने अब बड़ा शानदार फीचर इन्वेंट किया है कि जब हमें ये ऑटोमेटिक जो फिलअप होने वाले 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन के कोड्स हैं, जब हम इनको यूज़ कर लेंगे ये ऑटोमेटिकली डिलीट होते रहेंगे, क्लीन होते रहेंगे। तो अगर आपको ये फीचर एक्टिवेट करना है, आपको जाना है पासवर्ड्स वाले सेक्शन में। जैसे आप पासवर्ड्स वाला सेक्शन ओपन करते हो, आपको जाना है पासवर्ड ऑप्शंस में, फिर आपको ये ऑप्शन ऑन कर देना है क्लीन अप ऑटोमेटिकली। इससे क्या होगा, ये सिर्फ उन्हीं मैसेजेस को डिलीट करेगा जो आप ऑटो फिल के साथ यूज़ करोगे, मैन्युअली नहीं एंटर करोगे, जो ऑटोमेटिक फिल करोगे एक क्लिक में वो ही डिलीट करेगा। सो मेरे को ये फीचर कमाल का लगा, पर्सनली पसंद आया यार। एप्पल जो है मैनकाइंड के लिए हर बार कुछ ना कुछ नया कर रहा है। अब आपको जो फीचर बताने वाला हूँ काफ़ी ट्रिकी है, काफ़ी यूज़फुल कह सकते हो। काफ़ी बार हम अपनी एप्लीकेशंस को शिफ्ट करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं दूसरे पेजेस पर, और मान लो कि ये शिफ्टिंग जो है मेरे को पसंद नहीं आई और मैं चाहता हूँ कि यार पुराना वाला ज़्यादा सही था, तो मैं सिंपली अपने फ़ोन को शेक करूँगा। जैसे ही मैं अपने फ़ोन को शेक करता हूँ, ये मुझे अनडू मूव की ऑप्शन दे रहा है। इसको क्लिक करते ही आपकी सारी की सारी ऐप्स जो हैं वो पुरानी जैसी स्विचिंग कर लेंगी। तो ये भी फीचर कमाल का है,
लिटरली काफ़ी बढ़िया बढ़िया फीचर्स हैं। फोटोज़ ऐप के रिगार्डिंग फीचर बताता हूँ आपको। सो ये एक ट्रिक काम ऐसे करती है कि दोस्तों, अब हमें अगर मान लो किसी फ़ोटो को जूम करना है, क्रॉप करना है ना, तो आपको सबसे पहले एडिट बटन के ऊपर क्लिक करके क्रॉप करना पड़ता था। लेकिन अब आप सिंपली किसी भी फ़ोटो को जूम करोगे और अब आप उसे वन क्लिक में क्रॉप कर सकते हो। पहले ये डन और कैंसिल का बटन नीचे आता था, अब ऊपर हो गया है। डन करके आप सिंपली क्रॉप कर सकते हो। और अभी आपने देखा ये फ़ोटो का साइज़ कुछ इस तरीके का था और अब ये सिंगल क्लिक में क्रॉप हो गई है। इसी तरीके से कैमरा ऐप में भी हमें एक नया छोटा सा फीचर देखने को मिलता है, जिसे हम बोलते हैं लेवलर। सो कैमरा ऐप में हमें एक लेवल का ऑप्शन देखने को मिलता है। आपको इसे ऑन करने के लिए सेटिंग्स में जाना है और फिर आपको जाना है कैमरा वाले सेक्शन में। यहाँ आपको लेवल का फीचर ऑन करना पड़ेगा। ये ट्रिक काम कैसे करती है, मान लो गाइज आप वर्टिकली या फिर हॉरिजॉन्टली कोई फ़ोटो क्लिक कर रहे हो और वो जो फ़ोटो है आप सीधी क्लिक करना चाहते हो, तो अब आपको एक लेवलर देखने को मिलेगा जो कि आपको सीधी और स्ट्रेट फ़ोटो क्लिक करने में हेल्पफुल रहेगा। सो ये लेवलर काम कुछ इस तरीके का करेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो येलो लाइन है ना, ये वाली है लेवलर। सो इसको आप कैसे यूज़ करना है वो आपको ज़्यादा बेटर पता है कि आप अपने केस में कैसे इसे इस्तेमाल कर सकते हो। आई म्यूज़िक ऐप में अब हमें क्रॉस फेड का ऑप्शन देखने को मिलता है। क्रॉस फेड ऑन करने के लिए आपको सेटिंग्स में म्यूज़िक ऐप में जाना है और क्रॉस फेड को ऑन कर देना है। इसकी ड्यूरेशंस आप मैनुअली सेट कर सकते हो। एप्पल ने अब नई कॉलिंग स्क्रीन इन्वेंट की है जो कि काफ़ी शानदार है। अगर आप किसी को फ़ोन करते हो तो आपको कॉलिंग स्क्रीन कुछ इस तरीके की बॉटम में देखने को मिलेगी। स्पीकर वगैरह पहले राइट साइड में थे, अब लेफ्ट में कर दिए गए हैं। आई बटन को दबाकर आप इसका नंबर और कॉन्टैक्ट डिटेल्स जान सकते हो। नेक्स्ट, कॉन्टैक्ट पोस्टर का अब नया फीचर आया है, जिसके कारण हम बहुत ही सुंदर सुंदर फ़ोटोज़ और न्यू कॉलिंग स्क्रीन्स अपने फ़ोन में कस्टमाइज़ कर सकते हैं। लेट अज्यूम मैं किसी नंबर को सेव कर रहा हूँ, उसके ऊपर मैं बहुत ही शानदार वाली फ़ोटो या फिर मीमोजी सेट कर सकता हूँ। लेट अज्यूम मैं ये वाला मीमोजी सेट करता हूँ और उसका बैकग्राउंड भी कुछ इस तरीके का ले लेता हूँ। एंड दैट्स इट। अब मैं इसको डन बटन के ऊपर क्लिक करके अपने कॉन्टैक्ट पोस्टर सेट कर सकता हूँ और काफ़ी कूल वाला ये जो चीज़ें हैं काफ़ी शानदार लगती हैं। इस तरीके से आप अपनी कॉन्टैक्ट कॉलिंग स्क्रीन को कस्टमाइज़ कर सकते हो। बहुत सारे ऑप्शंस नए आए हैं। बाय द वे, ये मैंने मेजर आपको बताए हैं। आपको ये ट्रिक्स एंड टिप्स कैसी लगी, जस्ट लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, थैंक यू सो मच।